हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप वन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर वन। क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी का चैप्टर वन। पहला चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम पोषण, लाइव प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग आज पढ़ेंगे जैव प्रक्रम पोषण। तो पहले जैव प्रक्रम पोषण के जानने से पहले हम लोग कुछ और जान लेते हैं। पहले क्या है, सजीव और निर्जीव के बारे में जान लेते हैं। तो बोल रहे हैं कि जिस जीवों में पोषण, शोषण, परिवहन एवं उत्सर्जन की क्रिया होती है उसे सजीव कहते हैं। मतलब सजीव में क्या होता है, जो क्या करे, पोषण कर सके, मतलब जो खाना खा सके, शोषण जो शोषण क्रिया कर सकते, जो परिवहन उसे ना पदार्थ का क्या हो सकता है, परिवहन से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते, वस्तु भी क्या होता है एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। उत्सर्जन पदार्थ क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ये सब क्रियाएँ होता है उसे क्या कहते हैं, शोषण। तो क्या होता है शोषण में, जैसे आप शोषण की भी क्रिया होता है, उत्सर्जन का पोषण की सब क्रिया होता है, वो क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। तो सजीव में कैसे आ जाएगा, जैसे मनुष्य आ जाएगा, जानवर आ, पौधे आ जाएगी, ये सब क्या होता है सजीव में आते हैं। तो कुछ निर्जीव भी होते हैं, जैसे हमारे आसपास में देखिए मकान हो जाए, टेबल फैन, ये से क्या होता है, निर्जीव होता है। तो ये क्या करता है, इसे क्या, जिस जीवों में पोषण, शोषण, परिवहन एवं उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। तो जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे जैसे में आपका हो जाएगा टेबल, बुक, कुर्सी, पहाड़ इत्यादि कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इत्यादि, ये सभी क्या हो जाएगा आपको, निर्जीव है। क्या है, निर्जीव, इसमें किस कोई नहीं चल सकता है, न फिर से नहीं क्या शोषण कर सकता है, नहीं पोषण कर सकता है, इसे कुछ नहीं कर सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निर्जीव। तो हम लोग कोशिका, जी कोशिका है ना, सबसे छोटा जो जीव का होता है ना, सबसे छोटा अंग क्या कहलाता है, कोशिका। तो कोशिका का समूह से क्या बनता है, जब कोशिका होता है ना, तो कोशिकाओं का समूह से क्या बनता है, ऊतक बनता है। क्या बनता है, ऊतक। ये ऊतक बना, ऊतकों का समूह से क्या बन जाएगा आपका, ऊतकों का समूह से क्या बन जाएगा, अंग। क्या बन जाएगा, अंग। अंगों का समूह से क्या बन जाएगा, अंग तंत्र, तंत्र। आप पूरा अंग तत्व मिला क्या बना जाएगा, आपका एक जीव का निर्माण करेगा। कोशिकाओं का समूह से क्या बनता है, उत्तक। उत्तकों का समूह से अंग, अंगों का समूह से अंग तंत्र, अंग तंत्र के समूह से क्या बन जाएगा आपका, जीव। तब जाके क्या होता है, जीव तैयार होता है। याद रखें कि जीव के होने के लिए पहले क्या चाहिए, कोशिका हो रहेगा। कोशिका जब होगा उसका सबसे छोटा क्या हो जाएगा, कोशिका। उसका कोशिका का समूह मिल क्या बनेगा, उत्तक। उत्तकों का समूह मिल क्या बनेगा, अंग। अंगों का समूह मिल क्या बनेगा, अंग तंत्र। अंग तंत्र पूरा अंग तंत्र मिलकर क्या बनाएगा, जीव बनाएगा। तब जाके एक जीव तैयार होता है। इतना प्रोसेस होने के, तो ये प्रोसेस जो होता है ना, इसी को हम लोग ना जैव प्रक्रम कहते थे। जिस क्रिया द्वारा जीवों का अनुरक्षण, जीवों का अनुरक्षण हो रहा है ना, जीव का अनुरक्षण हुआ। पहले क्या हुआ, कोशिका, फिर उत्तक, अंग, अंग तंत्र और जीव तैयार हुआ। तो इतना प्रोसेस हो गया, तो वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हुआ, क्या हुआ, अनुरक्षण से क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जैव प्रक्रम, लाइव प्रोसेस। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम। तो हम लोग क्रियाएं देखे थे ना, पहले क्या हुआ था, कोशिका, कोशिका के समूह से क्या होना था, उत्तक। उत्तकों के समूह से अंग, अंग, अंगों के समूह से क्या होना था, अंग तत्व। तब जाकर हम लोग का जीव का निर्माण। तो उसी को क्या कहते थे, जो प्रोसेस हुआ था ना, जो क्रिया हुआ था, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है या कहलाती है। क्या है, पोषण किसे कहते, क्या है पोषण किसे कहते, तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। मतलब पोषण क्या आता है, पोषण वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। क्योंकि जीव को ना, किसी भी जीव को ना, अगर ऊर्जा चाहिए तो क्या, पोषण से मिलता है। तो बिना पोषण के हम लोग कोई काम भी नहीं कर सकते। तो क्या करते, जीवन की उपचार क्रियाओं का संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होती है, होती है। शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे उत्कों को मरम्मत के लिए, इसे क्या होता है, हम लोग के लिए पोषण जरूरी होता है। बिना पोषण के हम कुछ नहीं करें, ऊर्जा नहीं मिले तो हम कोई काम भी नहीं कर लेते। जैसे हम अभी उपयोग कर रहे हैं, पोषण किए, उसके बाद क्या करें, इसका उपयोग हम करें, पढ़ाने में कर रहे थे, उपयोग हो रहा है। तो जीवों में पोषण मुख्यतः दो प्रकार, तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार, याद रखिएगा, पोषण कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला है आपका स्वपोषण और दूसरा हो जाएगा परपोषण। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स और दूसरा क्या है, परपोषण, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स।
तो स्वपोषण किसे तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लित उसे क्या कहते हैं स्वपोषण कहते हैं। आप पर पोषण वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लित नहीं करते उसे क्या कहते हैं पर पोषण कहते हैं। चलिए दोनों के बारे में जानते हैं। स्वपोषण किसे कहते हैं वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लित करते उसे क्या कहते हैं स्वपोषण। आप पर पोषण ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लित नहीं करता उसे क्या कहते हैं पर पोषण कहते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं दोनों का। स्वपोषण या ऑटोट्रॉफ की उत्पत्ति दो ऑटोट्रॉफ की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द ऑटो और ट्रॉफ से हुई है। तो ऑटो का अर्थ होता है स्व या स्वतः, मतलब ऑटो का अर्थ क्या हो जाएगा स्व या स्वतः, तथा ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण, तब बना जाके स्वपोषण। ऑटो का अर्थ होता है स्व या स्वतः तथा ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण। पहला क्या है स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स, वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लित करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं स्व, तो वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लित करते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन भी बोल सकते हैं वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लित करता है उसे क्या कहते हैं स्वपोषण, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाए उसे क्या कहते हैं स्वपोषण, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उसे परपोषण। क्या है तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं स्वपोषित है, क्या होते हैं तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। हरे पौधे में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, क्या पाई जाती है हरे पौधे में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक जिसे पर्ण हरित या क्लोरोफिल कहते हैं। क्या है परपोषण, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लित न कर किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं परपोषण का क्या कहलाते हैं परपोषण। जैसे में क्या हो जाएगा जीव जंतु तथा मनुष्य इत्यादि, इसमें क्या हो जाएगा इत्यादि, मतलब क्या होता है वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लित न कर किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करते उसे क्या कहते हैं परपोषण, मतलब अपना भोजन स्वयं संश्लित नहीं करेगा किसी दूसरे या किसी दूसरे रूप से प्राप्त करता उसे क्या कहते हैं परपोषण कहते हैं। अब क्या है परपोषण के प्रकार, तो परपोषण के तीन प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं तो परपोषण के तीन प्रकार होते हैं। पहला क्या है मृतजीवी पोषण सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है परजीवी पोषण पैरासिटिक न्यूट्रिएंट्स, और तीसरा क्या है प्राणी संपोषण हेलोजोइक न्यूट्रिएंट्स। पोषण के तीन प्रकार, पहला क्या है मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी सम। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे मृतजीवी पोषण परजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण।